24 नवंबर 2021 इस दिन नासा ने एक मिशन लॉन्च किया। इस मिशन के मदद से फ्रेंड्स हम इन फ्यूचर धरती पर आने वाली बड़े बड़े एस्टेरॉइड से बच सकते हैं, जिससे हमारी मानव जाति और ये धरती नष्ट होने से आसानी से बच जाएगी। वेल, ये मिशन आज से कुछ दिन पहले ही सक्सेस हुआ है। सो आज की इस वीडियो में मैं इसी मिशन के ऊपर पूरा डिस्कस करने वाला हूँ फ्रेंड्स। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी नॉलेज देंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, 24 नवंबर को ये मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन का नाम था फ्रेंड डार्ट मिशन, जिस डार्ट का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट। वेल, इस मिशन में बेसिकली एक सैटेलाइट की मदद से एस्टेरॉइड की डायरेक्शन को चेंज किया जाता था। नासा का जो सैटेलाइट था फ्रेंड्स, वो एक बड़े एस्टेरॉइड यानी कि डिडिमोस एस्टेरॉइड के ऑर्बिट करने वाले एक छोटे एस्टेरॉइड डाइमॉर्फस से जाकर टकराया। वेल, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सैटेलाइट तो एस्टेरॉइड से टकरा गया, यानी कि हमारे जो इस मिशन था ये फेल हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये डिडिमोस एस्टेरॉइड से टकराना सैटेलाइट का यही एक भाग था हमारे इस मिशन का। वेल, 26 सितंबर 2022 यानी कि आज से 6 दिन पहले सुबह 4:45 पे सैटेलाइट एस्टेरॉइड से टकराया था। इस टकराव से फ्रेंड्स एस्टेरॉइड की डायरेक्शन में कुछ चेंज आई थी। वेल, अभी तक ये तो नहीं मालूम कि उसके डायरेक्शन में कितना चेंज आया और उसका अभी एंगल क्या है, लेकिन हाँ, उसकी डायरेक्शन में तो चेंज आई है फ्रेंड्स। वेल, आप लोग को क्या लगता है फ्रेंड्स कि इन फ्यूचर ऐसे बड़े बड़े एस्टेरॉइड से हम इस टेक्निक से बच जा सकते हैं और हमारे मानव जाति और ये धरती नष्ट होने से बच जा सकती है फ्रेंड्स? कमेंट करके हमको जरूर से बताइएगा, और वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर देना फ्रेंड्स। वेल, अभी मैं एक छोटा सा क्रिएटर हूँ, सो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाना जरूर फ्रेंड्स एक सब्सक्राइब करके। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।